नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मंगलवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। लोगों ने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं ने चुनरी, नारियल, धूप, दीप आदि समर्पित कर विधि विधान से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की। बुजुर्गों से लेकर महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियों और बच्चों तक सभी ने मां के दर्शन कर सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। जो व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी ने अपने तप और साधना से शिव जी को प्रसन्न करके अपने उद्देश्य में सफल हुई थी। नगर के दक्षिणमुखी देवी मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। मंदिर के पुजारी शरद चंद तिवारी ने कहा कि दूसरे दिन भी सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही, शाम को भीड़ और अधिक हो जाएंगे। उन्हें बताया कि पूरे नवरात्र स्थानीय नहीं बल्कि दूर दराज से लोग भी आकर माता की आराधना करते हैं। नव दुर्गा के नौ रूपों में आज दूसरा रूप था ब्रह्मचारिणी देवी का, आज उन्हीं का दर्शन पूजन हुआ है यहाँ पर। और भारी भीड़ थी सुबह और शाम को भी भारी भीड़ होती है। बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने आए थे और लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है और बराबर लोगों का यहाँ नौ दिन तक आना जाना लगा रहता है और तमाम अधिकारी वर्ग भी यहाँ आते हैं और दर्शन पूजन करके लाभ उठाते हैं। जागरण का भी कार्यक्रम होता है, किस दिन होता है? अब जागरण का कार्यक्रम का कोई निश्चित नहीं होता है कि किस दिन होगा, लेकिन होता है, एक दिन किसी दिन होगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।